ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे सभी प्रिय दर्शकों को वेद पंडित का नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल चमकते किस्मत में स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी हर नई वीडियो में आप सभी को ज्ञानवर्धक जानकारियां बताते हैं, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसे अपनाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हमसे जुड़े प्रत्येक दर्शक हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। हम भगवान शंकर जी से और माँ पार्वती जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली भरे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमसे जुड़े प्रत्येक दर्शक को कभी भी कोई कष्ट ना हो और वे अपने परिवार के साथ खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, आज हम आपको तुला राशि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र दोस्तों देवताओं का आचार्य है। बुध शनि राहु केतु इसके मित्र हैं। सूर्य और चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानता है, जबकि मंगल और बृहस्पति ना इसके मित्र हैं ना ही शत्रु हैं। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र शुभ फल प्रदान कर रहा है तो यह आपको धन दौलत, सुख वैभव और संसार के हर भौतिक सुख प्रदान करता है और आपके चेहरे पर एक आकर्षण पैदा करता है, जिससे कि आपकी तरफ विपरीत लिंग के व्यक्ति आकर्षित होते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप पर स्त्रियां या लड़कियां आपकी तरफ आकर्षित होंगी, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। वे आपको बंगला गाड़ी और हर प्रकार के सुख प्रदान करता है और आपको हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, जिससे हमारी बताई उपाय से आपको अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य ही देखें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम अपने विषय को पुनः आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ है या अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो ये आपको धन हानि करवाता है, विवाह में विलंब पैदा करता है और शीत पदार्थ, स्वप्न देव, शरीर में कमजोरी और संतान पैदा करने में अवरोध उत्पन्न करता है और यौन संबंधी विकार उत्पन्न करता है, भूत प्रेत बाधा और मानसिक परेशानी उत्पन्न करता है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी यह सब कुछ घटित हो रहा है तो आप इसके लिए ये उपाय अवश्य करें। गरीब और बेसहारा लोगों को सूखी सब्जी के साथ रोटी खिलाएं और दान देकर विदा करें। अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर गाय को खिलाएं, संभव हो तो गौ दान करें। दूध, दही, घी, कपूर, सफ़ेद फूल और मोती का दान धर्म स्थल में दें। विधवा औरतों की मदद करें, देवी लक्ष्मी की पूजा करें और आरती उतार कर भोग लगाएं। दोस्तों, ये उपाय करने से शुक्र आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपको शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपको किसी भी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल चमकती किस्मत देखते रहिए। धन्यवाद।